चलो आज हम सीखते हैं सामान्य भविष्य काल। देखो कि हम काल के भेद देख रहे हैं। काल का मतलब समय, क्रिया के काल मतलब क्रिया कौन से समय में हो रही है ना। अब हम देख रहे हैं सामान्य भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल की परिभाषा इस प्रकार है, क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि कार्य आने वाले समय में होगा उसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। मतलब क्या है कि जो भी कार्य है वो आने वाले समय में होने की संभावना है। ठीक है, उदाहरण के जरिए हम देखते हैं, सुरेश गाना गाएगा, मतलब यह है कि सुरेश गाना गाने की क्रिया भविष्य में करने वाला है, गाएगा। देखो कि भविष्य काल जब होता है तो क्रिया को गा ये प्रत्यय लगता है। ठीक है, अब दूसरा उदाहरण, बारिश होगी, मतलब बारिश होने की संभावना है, भविष्य में वो क्रिया होने वाली है, मतलब भविष्य में बारिश होने वाली है, मतलब आने वाले समय में बारिश होने वाली है। ठीक है, अब तीसरा उदाहरण यह है, हमारे घर मेहमान आएंगे, मेहमान आए हैं नहीं आए हैं, मतलब क्या है, आने वाले हैं, ये भविष्य है, आने वाले समय में क्रिया होने की संभावना है। ठीक है, जैसे कि माँ खाना पकाएगी, मतलब भविष्य में वो क्रिया होने वाली है, इसलिए माँ खाना पकाएगी ये वाक्य सामान्य भविष्य काल का हो गया। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, सामान्य भविष्य काल का फॉर्मूला इस प्रकार है, धातु प्लस गा गी गे। देखो बच्चों, गा का मतलब जब क्रिया पुल्लिंगी है तब, गी का इस्तेमाल जब क्रिया स्त्रीलिंगी है तब, और गे का इस्तेमाल जब क्रिया अनेक वचन में है तब। मतलब सामान्य भविष्यकाल के वाक्य के अंत में गा गी या गे आता है। ठीक है, देखते हैं, मैं तुम्हारी रक्षा करता हूं, ये वाक्य सामान्य वर्तमान काल का है। अब इसे हम इस फॉर्मूला के जरिए सामान्य भविष्यकाल बना देते हैं। देखते हैं कैसे होता है, मैं तुम्हारी रक्षा, यहां तक हम ठहरे। अब देखो कि कर्ता ये जो शब्द है ये क्रिया है, अब इसको ता जो प्रत्यय लगा है ये बाजू हटाने के बाद रह जाता है कर, यह है धातु, इसको क्या जोड़ना है, गा जोड़ना है, इसीलिए करूंगा यह शब्द बना। ठीक है, मतलब भविष्य काल का वाक्य बना, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। दूसरा उदाहरण, पिताजी आते हैं, यह भी सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। अब इसे हम बना देते हैं सामान्य भविष्य काल, पिताजी यहां तक हम ठहरे, आते यहां ते बाजू हटाने के बाद आ ये जो रहता है ये है धातु, और इस धातु को हमने गे जोड़ा, मतलब पिताजी आएंगे, ऐसी क्रिया बनी, ये वाक्य जो है ये सामान्य भविष्यकाल का बन गया। ठीक है, धन्यवाद।